सोलन जिला में भी भैया दूज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए सोलन से संवाददाता कीर्ति कौशल ने इस त्योहार पर क्या भेजा है। भैया दूज दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व है, जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। सारे भारतवर्ष में भैया दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भाई बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं, उसे यम का डर नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक भाई आज बहन के घर जाता है। सोलन में भी इस पावन त्यौहार को भाई बहनों ने धूमधाम से मनाया और अपने भाई को श्रद्धापूर्वक तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस त्यौहार का बहनों को भी पूरे साल इंतजार रहता है। बहनों को इस दिन भाई की ओर से प्यारे से तोहफे भी मिलते हैं। सोलन में भी इस मौके पर बहनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने आज के पावन दिवस पर भाई की पूजा कर तिलक लगाया और उनके सुनहरे भविष्य और लंबी उम्र की कामना की। आज भैया दूज है, मैंने अपने भाई को तिलक लगाया और उसके बाद आरती की और उसके बाद मिठाई खिलाई, उसके बाद गिफ्ट दिया, उसके बाद गिफ्ट देने के बाद गले लगाए। फिर मैंने गॉड से प्रेयर करी कि मेरे भाई की लंबी उम्र होए। मेरा विश्वप्रीत है, आज मेरे भाई दूज बनाई। पहले मैंने टिक्का लगाया, फिर मैंने पूजा की, फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट दिया और मैं चाहती हूँ कि हर साल मैं भाई दूज बनाऊँ। तो ये थी खबर सोलन से, जहाँ प्रदेश के बाकी इलाकों की तरह भैया दूज का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। के चैनल के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।